श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ पे शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए किसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूजनीय ऋषियों, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और भगवान लक्ष्मीपति ने मुनि शेष नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे। वे गले में वनमाला पहने से थे। लक्ष्मी जी जिनकी चरण सेवा कर रही थी, उस समय स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही पृथ्वी पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर प्रसन्न होकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए। हे प्रभु, ये सभी बातें कृपया विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा तथा सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से श्री भगवान का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब बात को सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देखने लगा। फिर उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। उस ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे धन में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर व प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और नारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ।
पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भ्रतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्य नारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया मुझे बताएं। राजा उल्का मुख बोले, हे वैश्य, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने नगर गया। उस साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। उस साधु वैश्य ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्य नारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गए। 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, अब आप उस व्रत को करिए। वह साधु वैश्य बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। उस साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर देकर लाओ। साधु वैश्य की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु वैश्य ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु वैश्य ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु वैश्य को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्ना सारपुर नगर में गया। वहां जाकर दमाद ससुर दोनों मिलकर चंद्र केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्य नारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु वैश्य अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह दोनों ससुर जमाई को बांध कर राजा के पास प्रसन्नता के साथ ले आए और कहा कि हम दोनों चोर पकड़ लाए, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वहां प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी और तेरे मन में क्या है मुझे बता। कलावती ने अपनी माता लीलावती से कहा, हे माता, आज मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और मैं ये व्रत करने की इच्छा रखती हूँ। कन्या की वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र केतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम
उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सभी राज्य धन संतान नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि उन दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभवो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, उन दोनों वैश्यों ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी साधु वैश्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। फिर वो दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। उन दंडीधारी के जाने के बाद उस साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात अपनी नाव को ऊंची उठा देकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह उन दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो कुछ असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। और ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाए जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वे लोग अपने साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर उस साधु वैश्य की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शनों के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अविज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान दुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर व कन्या को रोता हुआ देखकर साधु वैश्य दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु वैश्य के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इससे उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई। वहां पहुंचकर उसने पूजा पूरी की, प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद उस साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। फिर इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को गया।
श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन त्विंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किए। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां उसने सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा उन ग्वालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके बाद दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी महाराज बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज सिंह ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी, चंद्र चूड़ एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो,
श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर ओम जय लक्ष्मी राम नाम। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी राम नाम। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी राम ना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।